डियर स्टूडेंट, टेस्ट पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि टेस्ट पेपर देते समय अगर कहीं पर गलती होती है तो यह गलती होने का रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी। इसलिए गलती का चांसेस ना हो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो प्यारे बच्चों, आपको मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो है भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, तो आप लोगों को अपने मोबाइल में क्या करना है, मैसेज वाला जो ऐप होता है उसको ओपन करना है। ठीक है, देख लीजिएगा मैसेज वाला कहाँ पर है। तो मान लीजिए मैसेज वाला है सेटिंग के बगल में, तो मैसेज वाला जो ऐप होगा उसको मैंने ओपन कर लूँगी। और इसमें जो है इनबॉक्स में जो कोचिंग से, एक्सीलेंट सिविल एकेडमी कोचिंग से मैसेज सेंड किया जाएगा उसको आप लोग ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये मैसेज आया है तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा https://forms.gla। ठीक है, इस तरह से आपको एक लिंक दिखाई देगा ब्लू कलर का। तो उस लिंक पर आप लोगों को एक बार टच करना है। जैसे ही उस लिंक पर एक बार टच करेंगे तो वो लिंक आपके मोबाइल में खुल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो लिंक खुलेगा ये पेपर का लिंक है, और जैसे ही लिंक खोलेंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और एक लिमिट होगा, उतना ही टाइम तक आप लोग दे सकते हैं टेस्ट पेपर का। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग अपना नेम डाल देंगे। नेम आपके स्टूडेंट में, मान लीजिए मैंने डाल दिया पी कुमार, और मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने 9050354081। और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे गांधी जी ने किस कानून को काला कहा था, हंटर आयोग, मॉन्टेग्यू घोषला, रॉलेट एक्ट, कमनल अवार्ड। तो मान लीजिए जो भी आपको सही लगेगा उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसको जो भी आंसर सही लगेगा उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए कि मैं सी को सिलेक्ट कर लूँगी, तो सी को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, वहां पर ब्लू कलर का जो है बन जाएगा। ठीक है, दिखेगा कि नहीं आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बगल में नीचे क्लियर सेक्शन जो है दिया है, अगर आपको लग रहा है कि जो है ये मैंने गलत कर दिया है और ऑप्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो क्लियर सेक्शन करिए। और उसके बाद जो है दोबारा मान लीजिए बी पर, बी सही लग रहा है तो बी पर जो है मान लीजिए बी को टच कर दीजिए एक बार, तो बी वाला चूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए सही लग रहा है तो ए पर जो है क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते हुए और यहाँ जो है आगे बढ़ते हुए आप लोग चले जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जाकर जो है सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप लोगों को भी यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके बाद क्या करना है, सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप लोगों को एक बार टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे तो लिख कर आएगा योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब आपका जो है टेस्ट पेपर रिकॉर्ड कर लिया गया है। ठीक है, और मतलब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। जब एक बार आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप लोग टेस्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उस लिंक को आप लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि सबमिट तभी करें जब आप लोग पूरा मतलब कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो फाइनल जो है सबमिट कर दीजिए। धन्यवाद, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को तो डियर स्टूडेंट, जब आप लोग टेस्ट पेपर देंगे तो उस समय दो काम करेंगे,
एक तो जूम ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और दूसरा ये कि जो टेस्ट पेपर का लिंक शेयर किया जाएगा उसको ओपन करेंगे और ओपन करके टेस्ट देंगे। देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे आप लोग, जूम ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जूम ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, प्ले स्टोर पर जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं प्ले स्टोर पर जा रहा हूँ, उसके बाद प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोग जूम क्लाउड मीटिंग डालेंगे वहां पर। जूम क्लाउड मीटिंग डालने के बाद ठीक है, आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे जूम क्लाउड मीटिंग। और उसके बाद यहाँ जो है जैसे ही करेंगे तो अनइंस्टॉल और यहाँ पे इंस्टॉल देगा, अपडेट मेरे में दे रहा है क्योंकि मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को जो है जूम खोलना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो जूम खोलेंगे, जूम ऐप खोलेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो डीएचटेंट इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ तीन जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ज्वाइन मीटिंग, साइन अप और साइन इन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन अ मीटिंग करना है, ज्वाइन अ मीटिंग पर क्लिक करना है। और जैसे ही ज्वाइन अ मीटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है इस तरह से पॉपअप खुल कर आएगा। ठीक है, मीटिंग आईडी दिखाई देगा। ठीक है, उसके नीचे जो है ज्वाइन विथ पर्सनल लिंक नेम, नेम के नीचे जो है गैलेक्सी J4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो है फोन का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मीटिंग आईडी पर मीटिंग आईडी डालना है जो कोचिंग के द्वारा शेयर किया जाएगा या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप लोगों के पास भेजा जाएगा। ठीक है, 10 डिजिट का रहेगा तो उसको डालना रहेगा, और गैलेक्सी J4 जहाँ दिख रहा है वहां पर टच करेंगे तो वहां नाम डालना है। नाम के साथ साथ मोबाइल का जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आप लोगों को फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दिए हैं, तो मोबाइल नंबर का जो लास्ट का 4 डिजिट होगा नाम के बाद उसी 4 डिजिट को डालना है। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ कैसे डालना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ऊपर जो है ये 10 डिजिट का आईडी हो गया, मीटिंग आईडी, और नीचे हो गया नाम। ठीक है, P Kumar 4081। ठीक है, ये मेरे मोबाइल का जो है लास्ट का 4 डिजिट है। ठीक है, तो इसके डालने के बाद क्या करेंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, ये स्टेंट इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए मैं बता देता हूँ, हाँ इस तरह 2 मिनट ऐसे दिखाई देगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, चलो इस तरह से दिखाई देगा। प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून, मतलब इंट्री दिया जाएगा, थोड़ा 1-2 मिनट आप इंतजार करिए। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट इंतजार करिए। ठीक है, तो आप लोगों को इंट्री मिल जाएगा। जैसे इंट्री मिलेगा तो आप लोगों को जो है इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, इस तरह से आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जुड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट जुड़ने जुड़ने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ जुड़ने के बाद क्या करना है, हाँ इस तरह से इस वाले जो है स्लाइड को देखिए, तो उसमें दे रहा है ज्वाइन ऑडियो, और नीचे उसके बाद बगल में दे रहा है स्टार्ट वीडियो। ठीक है, नीचे जो है देखिए ज्वाइन वीडियो और स्टार्ट वीडियो, तो आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन ऑडियो पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आप लोग ऑडियो से जुड़ जाएंगे, मतलब जो मैं बोलूंगा। ठीक है, या जो कोचिंग मतलब कोचिंग या संस्था की तरफ से कुछ बोला जाएगा, कहा जाएगा, तो आप लोगों को सुनाई देगा या सुन पाएंगे। अगर वो वहां पर टच नहीं करेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार टच करना जरूरी है। तो जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ लिख कर आएगा अनम्यूट स्टार्ट वीडियो। ठीक है, तो जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे। ठीक है, और जब कुछ नहीं पूछना होगा तो म्यूट करके रखेंगे। और वीडियो को आप लोगों को जो है वीडियो पर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, वो क्रॉस नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जैसे ही जुड़ते हैं तो आप लोगों सभी को क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे, ये क्रॉस नहीं दिखना चाहिए। जैसे मैं जो है यहाँ स्टार्ट करता हूँ तो ये क्रॉस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को
होना चाहिए, वीडियो पर क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, जूम ऐप से जुड़ जाएंगे। जूम ऐप से जुड़ने के बाद सीधे क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद जाना है मैसेज ऐप में, ठीक है। जो मैसेज का ऐप होता है जिस पर आप लोगों को जो है लिंक शेयर किया जाएगा, ठीक है, मीटिंग आईडी दिया जाएगा, ठीक है, साथ में जो है टेस्ट पेपर का लिंक दिया जाएगा, तो वहां पर जाना है। कहाँ जाना है, मैसेज ऐप में जाना है, ठीक है। मैसेज ऐप में जाएंगे तो जैसे यहाँ पर क्या है, मैसेज ऐप में जो है यहाँ इस तरह से आप लोग जो है, मैं लिंक दिखा दे रहा हूँ कैसे जो है ओपन करना। मान लीजिए ये लिंक आया है, ठीक है, तो ये लिंक आया है, इस लिंक को क्या करना, ओपन करना है, ठीक है। ओपन करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे ओपन होगा। इस तरह से ओपन हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है, मतलब इस तरह से ओपन हो सकता है। ओपन होगा तो ये जो लाल पीला हरा जो गूगल देख रहा है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है एक जो है जो ईमेल आईडी होगा उसको सिलेक्ट करके वहां जो है साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पेपर दे पाएंगे, ठीक है। एक पेपर का टाइम लिमिट होगा, ठीक है, उसके अंदर ही आप लोगों को सबमिट करना रहेगा, नहीं तो पेपर का जो है लिंक मतलब क्लोज कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है, और आप लोग जो है सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, जितना टाइम दिया गया है उसके अंदर ही पेपर को सबमिट कर देना है, ठीक है, ताकि सिस्टम में जो आप लोगों का रिस्पांस सबमिट हो जाए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये लिंक अगर ऐसा लिंक नहीं खुलेगा तो आप लोग जो है मैं बता देता हूँ, दूसरा लिंक जो है ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे खुल सकता है, ठीक है, इस तरह से भी खुल सकता है। चलो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस तरह से जो है लिंक खुल सकता है। डियर स्टूडेंट, टेस्ट पेपर लिंक टेस्ट पेपर लिंक जो है मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो जैसे लिंक देखिए मैसेज के थ्रू तो भेजा जाएगा, मैसेज के थ्रू जो है आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लिंक भेजा जाएगा उस पर एक बार टच करना है, जैसे ही टच करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो जैसे ही ओपन होगी, ठीक है, ओपन हो रहा है, तो इस तरह से लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। लिंक ओपन हो जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, अपना नाम डाल देंगे, ठीक है, जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन पूछा गया रहेगा तो आप लोग वहाँ भर देंगे, एंट्री कर देंगे, और एंट्री करने के बाद जो है आप लोग जो है जो भी यहाँ ऑप्शन सही होगा तो उसको सिलेक्ट करते हुए जो है आप लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है, और लग रहा है कि नहीं कन्फ्यूजन, आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे, नहीं सी होगा, तो आप लोग क्लियर सिलेक्शन कर दीजिए और उसके बाद जो है सी पर दबा दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, और लास्ट में जाएंगे तो सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, वहां क्या करेंगे आप लोग, सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करेंगे तो देखिए नाम जो है डालना जरूरी रहेगा, बिना नाम डाले जो है सबमिट नहीं होगा, ठीक है। नाम, मोबाइल नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा तो वो डालना जरूरी होगा। मैं जो है नाम डाल दे रहा हूँ जी कुमार, ठीक है, और मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ 9 0 3 5 4 0 8 1, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे जाकर जो है सबमिट कर देगा, ठीक है। तो सबमिट करेंगे तो इस तरह से योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे
कि जब आप लोगों को लगे कि नहीं जो है अब सबमिट कर देना चाहिए तभी करिएगा, क्योंकि अगर एक बार सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप लोग टेस्ट पेपर नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं लिंक ओपन नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग तभी सबमिट करिए जब आप लोगों को लगे कि नहीं अब जो है पेपर को सबमिट कर देना है। ओके, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है जूम ऐप से जुड़ना है और कैसे टेस्ट पेपर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि फर्दर जो इंफॉर्मेशन होगा तो वो यूट्यूब के माध्यम से ही दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।